आउनहाल परिसर में जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति युवा मोर्चा ने शनिवार को समाजवादी चिंतक और विचारक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 34 पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया गया। कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए सरकार से मांग किया। इस अवसर पर कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सूर्यभान शर्मा और जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा, योगेंद्र शर्मा जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति का राष्ट्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष, समाजवादी चिंतक, उच्च विचारक, शोषित पीड़ितों दलितों के उदारक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 34वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। जब भी कभी शोषित पीड़ितों का कराह भरी आवाज़ उनके कानों तक जाती थी, वो सदैव उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। उनके इसी कार्य के नाते उनको जननायक का उपाधि मिली। उनका जननायक की उपाधि के कारण वो कई बार मुख्यमंत्री बने, दो बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो काल में वो अपने नौजवानों को नौकरी दिए, धर्मशाला बनाए, विद्यालय बनाए, और उन्होंने जो सदैव से पिछड़ी जाति थी, जो कभी भी सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको आगे बढ़ाने के लिए कर्पूरी फार्मूले के आधार पर आरक्षण जो दिया, वो आरक्षण पाकर सदैव के लिए आगे बढ़े। आज कर्पूरी फार्मूला पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि कर्पूरी फार्मूला जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है और दलितों की भी भागीदारी सुनिश्चित है, पिछड़ों की भी भागीदारी सुनिश्चित है, अति पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित है और स्वर्णों की भी भागीदारी सुनिश्चित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कर्पूरी फार्मूला पूरे देश में लागू हो। कर्पूरी फार्मूले से सब बिरादरी को हक और सम्मान मिलेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए और देश में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि भी हम लोग दे रहे हैं। सूर्यभान शर्मा राष्ट्रपति, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति के तत्वाधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूर्व संध्या पर यहाँ टाउन हॉल में नाई समाज के साथ उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भारत माता को भी वंदन करता हूँ। आज बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी अफसोस है, खेद है, जो भारत के 42 नौजवान शहीद हो गए हैं, उनको नाई समाज के तरफ से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस देश को आगाज करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ उस आतंकवादी के खिलाफ, हर एक बच्चा तैयार हो जाए, उनको नाम निशान ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से अगर हर बच्चों को युद्ध करना पड़े, इस देश के बच्चा बच्चा तैयार हो जाएगा उस आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करने के लिए। जो भी हो, हम धन जन की अपना वो नहीं करेंगे, चाहे हमें मरना हो इस देश के लिए, हम निछावर करना हो, तैयार हैं।